तो लास्ट टाइम हम लोग सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर चुके थे और आज इस लेक्चर में हम लोग रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस टाइप की आपको एक प्लेट दी थी। अच्छा, पहले ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं, ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स वाले। ये ए है, ये बी है और इसका बिल्कुल सेंटर सी है। अब आपसे कहता है कि सी पे एक फोर्स अप्लाई करते हो और अगर मान लो तुमने डिस्क को ए पे हिंज किया है और इसके अबाउट मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ए है, और दूसरे केस में आप क्या करते हो कि आप बी पे हिंज करते हो और इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा बी है, तो आपसे कहता है कि अल्फा ए और अल्फा बी इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेंटर पे आपने फोर्स अप्लाई किया। पहले केस में ए के अबाउट वो घूम सकती है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ए है, और दूसरे केस में बी में हिंज किया तुमने और उसके अबाउट अल्फा बी है, तो आपसे ये कहता है कि दोनों केस में एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होंगे। ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर एक्चुअली में फॉल्स है। क्यों? देखो कि जो अल्फा होगा वो टॉर्क अपॉन आई होगा, राइट। अब टॉर्क तो सेम होगा दोनों एक्सिस के अबाउट, क्यों? क्योंकि सेंटर पे किया था तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मान लो ये डी है तो ये भी डी होगा, तो इसका मतलब टॉर्क तो हो गया एफ इंटू डी। लेकिन अल्फा तुम्हें लग ही रहा होगा कि अल्फा डिफरेंट होंगे दोनों एक्सिस के अबाउट ना, मतलब ए एक्सिस के अबाउट ठीक है, ये डिफरेंट होंगे, तो इसका मतलब अल्फा ए और अल्फा बी इक्वल नहीं होंगे। अच्छा वैसे एक चीज देखो, जैसे अगर मैं इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहता हूँ, तो आप देखो कि ज्यादा मास ना दूर है इसमें, आप देखो हैवी मास दूर है, और अगर मैं बी के अबाउट देखूं तो कम मास दूर है, नहीं ये कम मास दूर है, तो इससे तुम्हें लग रहा होगा कि आई ए के अबाउट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, तो इसका मतलब जो अल्फा ए होगा वो लेस होगा अल्फा बी के। ए एक्सिस के अबाउट देखोगे तो हैवी मास दूर है और बी एक्सिस के अबाउट देखोगे तो लाइटर मास दूर है, तो ऑब्वियस ही बात है ए के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, तो ऑब्वियस ही बात है कि अल्फा ए के अबाउट क्या होगा वो कम होगा। अब चलते हैं दूसरा, ये तुमने कई बार देखा होगा, ये डिस्क और इसका मास एम है, रेडियस आर है और ये ओमेगा से घूम रही है, ट्रू फॉल्स चल रहा है ध्यान रखना, और इसके ऊपर दूसरी डिस्क, अनदर डिस्क एम बाई फोर मास की ये डाल देते हो, तो तुमसे न्यू ओमेगा पूछा हुआ है, ओमेगा डैश कह दे रहा हूँ कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने कई बार किए होंगे, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू पे बेस्ड होते हैं, क्यों? अच्छा वो आंसर दिया था वैसे, तुमसे कहा था कि जो नई ओमेगा डैश है, क्योंकि ट्रू फॉल्स लेना है ना, तो ये टू ओमेगा बाई रूट फाइव होगी, ये बोला था उसने,
टू ओमेगा अपॉन रूट फाइव होगी, ये बोला था। अब सुनो ये वाले क्वेश्चन तुम जानते होगे, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू पे बेस्ड होते हैं, क्यों? अब देखो इनिशियली जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हाफ एम आर स्क्वायर था, और ओमेगा वन था ओमेगा, बाद में क्या हो गया, दो डिस्क हो गई ना, हाफ एम आर स्क्वायर एक का आ गया प्लस हाफ एम बाई फोर इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश आ गया, क्यों? इतना आ गया आई थिंक। तो यहां से एम आर स्क्वायर तो चलो कैंसिल कर देते हैं, हाफ भी कैंसिल कर देते हैं, हाफ हाफ एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 5/4, 4/5। मेरे ख्याल से ओमेगा डैश की जो वैल्यू आ रही है, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, तो 4/5 ओमेगा आ रही है, तो ये फॉल्स आ गया, क्यों? कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मेन कंसेप्ट देख लेना, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। थर्ड क्वेश्चन, ये दो चीजें रूल कर रही हैं, एक तो ये 0.3 kg इसका मास है, और 0.1 m इसकी रेडियस है, ठीक? ये रिंग है, और ये 0.4 kg इसका मास है, और 0.1 m इसकी रेडियस है, और ये सॉलिड सिलेंडर है। रोल कर रहे हैं, ध्यान रखना रोलिंग चल रही है, और ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की ना काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, आपसे कहता है कि वॉल पे सिलेंडर पहले पहुंच जाएगा, सिलेंडर रीचेज फर्स्ट, ट्रू फॉल्स है, ध्यान रखना। एक रिंग दे रखी है उसका मास और रेडियस दे रखी है, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है उसका मास और रेडियस दे रखी है, और दोनों के दोनों रोल कर रहे हैं, और तुमसे कहता है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो आपसे कहता है कि सिलेंडर पहले पहुंचेगा, इसको देखो क्या होगा। अब आप ये देखो कि इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मिला के, ठीक, दोनों मिला के वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, और जो सेम है उसको कुछ भी कह देता हूं, लेट के है, और रिंग के केस में के आर अपॉन के टी जो होता है वो वन होता है ना, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले टर्म आता है वो आता है के आर अपॉन के टी, वन होता है, के आर का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और के टी का मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये रोलिंग के केस में आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जितनी के आर है उतनी ही के टी है, तो तुम ये भी कह सकते हो देयर फोर ट्वाइस के टी, ये के इक्वल है, या कह लो के टी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, वो के बाई टू के इक्वल है, ठीक है ना, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के बाई टू हो गया, इसका मतलब तुम कह सकते हो टू से टू भी कैंसिल, वी की जो वैल्यू आ गई वो रूट के बाई एम आ गई,
और एम यहाँ पे दे रखा है 0.3, क्यों? तो इसका मतलब के अपॉन 0.3 ये आ गया, ये तो रिंग के केस में आ गया। अब चलते हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब के आर अपॉन के टी, वो फिर 1/2 होगा। इसका मतलब के टी की वैल्यू, के आर की वैल्यू के टी बाई टू होगी, क्यों? के आर की वैल्यू के टी बाई टू होगी, तो आप ये कह सकते हो देयर फोर के टी बाई टू प्लस के टी ये मिलके के हो जाएंगे, या के टी की जो वैल्यू आएगी वो 2/3 ऑफ के होगी, और के टी को मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2/3 के, या फिर वी जो आएगा वो आएगा रूट 4K/3 m, ये हो गया। अब m इस केस में कितना दे रखा है, m इस केस में दे रखा है 0.4, तो ये भी आ गया k अपॉन 0.3 आ गया, क्यों? तो अब आप ये देखो दोनों केस में स्पीड सेम आ रही है, लीनियर स्पीड से वी सेम आ रही है दोनों केसेस में, इसका मतलब दोनों सेम टाइम लेंगे। बस हो गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर दे रहा हूं। एक रिंग दिया हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, दोनों रोल कर रहे हैं, दोनों के तुम्हें मास और रेडियस दे रखे हैं। वैसे रेडियस की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में हुई नहीं, ठीक? और आपसे कहता है कि सॉलिड सिलेंडर वॉल्स पे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है ना, वॉल पे पहले पहुंच जाएगा। तो रिंग के केस में मैंने तुम्हें बताया कि अच्छा दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी थी, उसको मैंने के एज्यूम कर लिया था। रिंग के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उनका जो रेशियो आता है वन आता है, जो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले होता है। इसका मतलब जितनी रोटेशन है उतनी ट्रांसलेशन है, या कह सकते हो कि टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो के इक्वल है, या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम बी स्क्वायर होती वो फिर K/2 होगी, तो वहां से हमने वी निकाल लिया। अब सॉलिड सिलेंडर में बस ये डिफरेंस हो जाएगा कि जो के आर अपॉन के टी हमने वहां पे वन लिया था वो यहाँ पे हाफ ले लेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले जो आता है इसमें हाफ आता है। तो यहां से हमने देखा कि यहां से भी वी की वैल्यू वही आ रही है जो पहले केस में आ रही है। अब जब लीनियर स्पीड दोनों केस में सेम आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों क्या लेंगे, सेम टाइम लेंगे। उसके बाद चलते हैं एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। एसर्शन रीजन, फोर्थ क्वेश्चन। एसर्शन तुम्हें दिया था इस टाइप से, एक रफ सरफेस दे रखी है, यहां से तुम एक सॉलिड एंड एक हॉलो स्फीयर को छोड़ते हो, ठीक है? स्फीयर नहीं, सिलेंडर से। इनको छोड़ते हो और दोनों के मास और रेडियस सेम है, और ये रोल कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन सफिशियंट है, ध्यान रखना। तो आपसे कहता है कि हॉलो पहले नीचे पहुंच जाता है, हॉलो रीचेज फर्स्ट,
ये तो एसर्शन था, ठीक है। रीजन में क्या बोलता है? रीजन में कहता है एट बॉटम काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम रहेगी। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक सफिशियंटली रफ इंक्लाइंड सरफेस है। सफिशियंटली रफ इसलिए कह रहा हूं ताकि प्योर रोलिंग हो सके, और तुम उसके टॉप से एक सॉलिड और एक हॉलो सिलेंडर को छोड़ते हो। मास और रेडियस दोनों के सेम है, तो तुमसे कहता है हॉलो पहले पहुंचता है। ये तो एसर्शन रीजन हो, एसर्शन हो गया। और रीजन में कहता है कि बॉटम में दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ये आपसे बोलता है। इसमें वैसे बाय द वे एसर्शन तो रॉन्ग है। और ये ट्रू है, दोनों को प्रूव करते हैं। देखो, अगर ये रोल कर रहा है तो फिर एक्सीलेशन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन MR² होता है। अब आप ये देखो कि आई सॉलिड का कम होता है, आई सॉलिड लेस देन आई हॉलो। यहां पे आई आ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है बेटा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एक्सीलेशन सॉलिड का ज्यादा होगा, सॉलिड ग्रेटर देन एक्सीलेशन ऑफ हॉलो। ऑब्वियस सी बात है, जिसका एक्सीलेशन ज्यादा होगा ठीक, तो वो जल्दी पहुंचेगा, तो इसका मतलब सॉलिड पहले पहुंचेगा, सॉलिड रीचेज फर्स्ट। ये तो एसर्शन आ गया। अब रीजन में चलते हैं। हाइट एच है। अब आप ये देखो कि रोलिंग में वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होता है, भले ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो लेकिन वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होता है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, और दोनों का मास मैंने सेम दिया हुआ है, तो इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों के पास MgS थी, और फाइनली वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब दोनों केस में, सॉलिड हो या होलो हो, बोथ काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम हो जाएगी MgH हो जाएगी, बस हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रोलिंग के केस में भले ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। अब तुमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे दोनों को MgH मैकेनिकल एनर्जी दिया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो बॉटम पर पहुंच के वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बॉटम में कितनी होगी? MgH के इक्वल होगी, बस होगी। तो एसर्शन रीजन का एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्यूब था, ए साइड का, और यहां पे तुम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। थ्री ए बाई फोर पे, और मास एम दिया हुआ है। ये पॉइंट ओ है मान लो, तो आपसे कहता है कि एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सो दैट इट टॉपल्स अबाउट ओ। अच्छा, आपको फ्रिक्शन वगैरह सब प्रॉपर दिया हुआ है, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। तो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ कि स्लाइड नहीं कर रहा है, फिर
की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये होके वो टॉपल कर जाए। तो तुम जानते होगे जिसमें टॉपल करता है ना, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाती है। टॉपल करने से जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन तो ये आ गई, एमजी सेंटर पे लगेगा और फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये फोर्सेस हो गए ठीक है अलग अलग पॉइंट्स पे। अब इसमें क्या है देखो, ओ के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 आ जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 आ जाएगा। अब जो अप्लाइड फोर्स है इसका क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है और एमजी का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स का जो टॉर्क होना चाहिए, यहाँ पे अप्लाई किया था ध्यान रखना, अप्लाइड फोर्स का जो टॉर्क होना चाहिए वो एमजी के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, बस हो गया। मतलब एफ टॉर्क ऑफ एफ इट शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एम जी होना चाहिए, बस हो गया। अब एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू 3a/4, और एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन एम जी इंटू a/2 आ गया, बस हो गया। तो इसका मतलब एफ की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 mg आ गई मेरे ख्याल से, ये हो गया। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 2/3 mg आ गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टॉपल करने से जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ओ पॉइंट से पास होगी, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो तो ओ एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और एम जी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो टॉपल करने के लिए, ठीक, टॉपल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो अप्लाइड फोर्स है उसका टॉर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब चलते हैं सिक्स्थ। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया था, 2D स्ट्रक्चर, टू डी स्ट्रक्चर है, ठीक और इस पूरे का मास दिया था m, और ये वाली जो साइड दे रखी थी ये 2a दे रखी थी, और इस वाली एक्सिस के अबाउट आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था वो 1.6 ma² दिया था, तो तुम्हें इस एक्सिस का अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, आपको एक 2D स्ट्रक्चर दिया था, टोटल का मास m दिया था और 2a साइड दे रखी थी, और सेंटर पे जो क्रॉस मैंने एक्सिस दिखा रखी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.6 ma² दिया था, तो जो डॉटेड मैंने एक्सिस दिखा रखी है उसके अबाउट तुमसे पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से वो इसका हाफ आ जाता है ना, नहीं है, इसका हाफ आ जाता है, तो ये हो जाएगा 0.6 ma² हो जाएगा। और ये वैसे बाय द वे सेंटर ऑफ मास भी यही होगा पूरे स्ट्रक्चर का, ये हो गया थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने यूज किया। अब आप सुनो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये ए है और ये भी ए है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2a हो गई। अब मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर रहा हूं,
तो इसका मतलब इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? पॉइंट सॉरी 8 है, 0.8। तो 1.8 ma² तो ये होगा, प्लस m इंटू 2a का स्क्वायर, एक ये और आ जाएगा बस, हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा टोटल 4.8 ma² आ जाएगा, ये आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.8 ma² होगा। थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस में अप्लाई किया। उसके बाद इस वाली एक्सिस के अबाउट उसमें m इंटू 2a का स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 4.8 ma², ये कह लो। अब चलते हैं 7 पे। ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये म्यू दिया हुआ है, एक डिस्क दे रखी है, और ये ऊपर को लेकिन रोल कर रही है, लेकिन रोल कर रही है, ध्यान रख। ठीक है ना, ऊपर को रोल कर रही है। तो तुमसे ये पूछा था कि फ्रिक्शन कितना होगा और किधर को लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन कितना होगा और किधर को लगेगा ये तुमसे पूछा हुआ था। तो रोल कर रही है तो डेफिनेट है कि फ्रिक्शन फिर ऊपर लगता है बेटा ना, वो ऊपर को रोल करे या नीचे को रोल करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन ऊपर लगता है। और इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो क्या है, mg sin θ अपॉन 1 प्लस mr² अपॉन i होता है, बस हो गया। और आई को तुम रख दोगे हाफ mr² डिस्क है, ये हो गया। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बॉडी नीचे को रोल करे या ऊपर को रोल करे, उस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो ऊपर ही लगता है, और रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और वो है mg sin θ अपॉन 1 प्लस mr² अपॉन i, और थीटा को तुम यहां पर रख दोगे 30 डिग्री, क्यों ये कह लो। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कैच पॉइंट है कि इस पे आप ये देखो ना, ये वाली फिगर पे जो एक्सेलरेशन होगा वो तो नीचे को आएगा, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे आएगा। अब आप देखो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगा हुआ है, क्यों नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगा हुआ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब आप देखो, ये ओमेगा है तो अल्फा भी ओमेगा के अपोजिट लगा हुआ है, नहीं है, तो इसका मतलब ओमेगा भी डिक्रीज करेगी। और ऑब्वियस ही बात है, अगर हम चाह रहे हैं कि रोलिंग हो रही है तो इसका मतलब हर जगह पे वी इक्वल टू आर ओमेगा रहना चाहिए। मतलब ये है कि अगर वी कम हो रहा है तो अकॉर्डिंगली फिर ओमेगा भी कम हो जाना चाहिए, और ये लॉजिकल लग भी रहा होगा कि जो एक्सेलेशन है वो नीचे को आएगा और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो इस फिगर के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इसका मतलब वी और ओमेगा दोनों के दोनों क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर ये नीचे को रोल कर रहा है, मान लो आप देखो ना, अगर ये नीचे को रोल कर रहा है, मान लो वी ये है और ओमेगा ऐसे है, अब आप देखो अभी भी ए इधर ही को आएगा और एल्फा ऐसे आएगा, तो अब के क्या हो गया, वी और ए दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसका मतलब वी भी बढ़ेगा और ओमेगा और अल्फा भी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ओमेगा भी बढ़ेगा। तो ये भी लॉजिकल लग रहा होगा क्योंकि आपको हर मोमेंट पे वी इक्वल टू आर ओमेगा रखना है, इसका मतलब अगर वी कम हो तो ओमेगा भी कम हो जाए,
और अगर बी बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, रोलिंग के केस में फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगता है, चाहे रोलिंग ऊपर को चल रही हो या फिर रोलिंग नीचे को चल रही हो, और उस फ्रिक्शन का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है Mg sin θ अपॉन 1 + mr² अपॉन i कैल। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन। एक नाइफ दिया था, ये दो सपोर्ट में रखा हुआ था, और इसका मास दिया था m कह लो, ये ए है, ये बी है और ये डी है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ए से एक्स डिस्टेंस पे है। इसका मतलब एम जी यहां लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ये डी माइनस एक्स हो गया, ये सेंटर ऑफ मास दिया था, तो तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन एट ए और नॉर्मल रिएक्शन एट बी फाइंड करनी थी, कितना हो। तो ये भी बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, केवल मैं रॉड को, नाइफ को देखूं तो ये एन ए आ गया और ये एन बी आ गया, केवल मैं नाइफ का फ्री बॉडी बना रहा हूँ, तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी ना, एन ए प्लस एन बी, वो आ गया एम जी, और इसके अबाउट जितना टॉर्क क्लॉकवाइज जाएगा उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्यों, ये हो गया, तो इसका मतलब एन ए इंटू एक्स इक्वल टू एन बी इंटू डी माइनस एक्स, ये हो गया बस, हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो यहां से एन ए और एन बी निकल जाएगा, बस हो गया। तो मैंने नाइफ का केवल फ्री बॉडी बनाया है, उसमें एक एम जी लगा और दो नॉर्मल रिएक्शंस लगी, और एन ए प्लस एन बी एम जी के इक्वल होगा और एन ए इंटू एक्स इक्वल टू एन बी इंटू डी माइनस एक्स होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखो यहाँ से एन ए अपॉन एन बी, ये डी माइनस एक्स अपॉन एक्स होगा, इसका मतलब तुम्हें इतने वेट को इस रेशियो में डिवाइड करना है, ध्यान रखना इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो रेशियो डिवीजन तुम्हें आना चाहिए, तो एन ए फिर कितना होगा बताओ, जो है एन ए की वैल्यू होगी डी माइनस एक्स, ये तो एन ए का रेशियो हो गया, अपॉन टोटल रेशियो, टोटल रेशियो हो गया डी माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एम जी, वो तो खैर कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी माइनस एक्स अपॉन डी इंटू एम जी हो गया, और इसी टाइप से जो एन बी होगा वो कितना होगा, जो इसका रेशियो है एक्स अपॉन टोटल रेशियो इंटू एम जी, ये आंसर। अब चलते हैं सिंगल ऑप्शन। सिंगल ऑप्शन करेक्ट, 9th, ये भी हम कर चुके हैं, आपके ये रिंग दे रखा है, मास m, रेडियस r, और ये ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो पार्टिकल्स पे स्टिक कर जाते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, और दोनों के मास m और m दिए हुए हैं, तो तुमसे न्यू ओमेगा निकालनी है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, आपके रिंग दे रखी है, ठीक है, रिंग ओमेगा से घूम रही थी और दो पार्टिकल्स दोनों के मास स्मॉल m है, वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट स्टिक कर जाते हैं, तो हमें न्यू ओमेगा निकालनी है,
तो ऐसे क्वेश्चन में हम आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू करते हैं। आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, शुरुआत में केवल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो एम इंटू आर स्क्वायर होगा, और ओमेगा वन का मतलब ओमेगा, बाद में रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया प्लस दो पार्टिकल्स का आ गया ना, टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश आ गया। तो यहाँ से ओमेगा डैश अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से एम अपॉन एम प्लस टू एम इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी तुम देख रहे होगे काफी कॉमन है, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू पे बेस्ड, बस उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तुम्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब चलते हैं 10th, ये क्वेश्चन भी आपने ज्यादातर किया होगा क्लासेस में। ये एम मास है और इसको वी से तुम प्रोजेक्ट करते हो 45 डिग्री पे, तो आपसे कहता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, एम मास के पार्टिकल को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो जो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है। आई थिंक इसको तुमने कई बार किया होगा क्लासेस में, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, कैपिटल वी कह रहा हूँ ठीक है, वो वी कॉस 45 डिग्री होगी, मतलब वी बाई रूट टू होगी, ये एम है और मुझे इसके अबाउट निकालना था। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई ये हो गई ना आर परपेंडिकुलर, ये मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो गई, क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो गई। अब तुमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एम वी आर परपेंडिकुलर, ये कर दो बस हो गया एम वी आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो वी है ये तो लिख दोगे वी बाई रूट टू, और आर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, ये हो गई बस हो गई। और एक छोटी सी बात और, ये x है ये y है, तो अगर मैं स्क्रू लगाऊं तो ऐसे घूम रहा है ना, देखो ये है बेटा एंगुलर मोमेंटम, मतलब एक तरीके से क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्रॉस डायरेक्शन, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्स, और यहां पे जो इनवर्स आती है वो डायरेक्शन माइनस के कैप आती है, इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्लॉकवाइज कह लो उसको, क्रॉस डायरेक्शन में कह लो या फिर माइनस के कैप डायरेक्शन में कह लो, इतना होगा जो है, और एम वी आर परपेंडिकुलर होगा ये कह लो। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन में, ये थोड़ा फ्लूड मैकेनिक्स का भी है, जैसे ये इसमें एक लिक्विड है, और इसमें लिक्विड का जो टोटल मास है वो एम है और ये लेंथ एल है और ये ओमेगा से घूम रही तो आपसे कहता है कि यहां पे फोर्स बाय लिक्विड, फोर्स बाय लिक्विड ऑन दिस सरफेस, दिस सरफेस,
इसमें एक रोटेशन का कंसेप्ट लगता कि जब हम रोटेशनल एक्सिस से दूर जाते हैं, ठीक है ना, जब हम रोटेशनल एक्सिस से दूर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे जो प्रेशर में डिफरेंस होता है वो रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g आता है, क्यों एक्स स्क्वायर, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g इतना आता है जब आप एक्सिस से दूर जाते हैं, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहां पे प्रेशर पी नॉट है तो यहां पे जो प्रेशर आएगा वो फिर आएगा पी नॉट प्लस, सॉरी जी नहीं आता, रो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 आता है, तो देखो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 होगा इस जगह पे लिक्विड का जो प्रेशर होगा, लेकिन यहां बाहर से भी पी नॉट प्रेशर है, तो एक तरीके से प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो आप कह सकते हो वो कह सकते हो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 कह सकते हो, मतलब आप ये कह सकते हो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड इसको आप कह सकते हो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 कह सकते हो। अब अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं कि यहां पे मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो फिर फोर्स बन जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई रो ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। अब तुम कहोगे कि रो कितना होगा, रो होगा मास अपॉन वॉल्यूम, नहीं रो होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो देखो रो की वैल्यू हो गई मास अपॉन वॉल्यूम, कितना हो गया ए इंटू एल आ गया, ये तो रो लिख दिया। उसके बाद लिखा ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, तो बाय द वे ए और ए तो हो गया कैंसिल, क्यों तो आंसर जो आएगा वो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, ये आ जाएगा फोर्स। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सुन लो, इसमें मैंने फ्लूड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट यूज किया है कि रोटेशनल एक्सिस से जब दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे, इसको एक्स लिख देता हूं ठीक है, एक्सिस से अगर आप एक्स डिस्टेंस पे जाते हो तो प्रेशर में जो चेंज आता है वो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। इसका मतलब सरफेस के जस्ट अंदर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू वहां पे एल हो चुकी है, लेकिन बाहर से भी प्रेशर पी नॉट है। इसका मतलब अगर मैं केवल लिक्विड की वजह से प्रेशर करूंगा तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 आएगा, और उसको जब एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फोर्स बन जाएगा, लेकिन अभी इसमें मेरे को रो को हटाना था, तो रो कितना हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, तो वहां से फिर हमें जो भी एक्सप्रेशन चाहिए था वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 12th, इसमें ना एक ये मासलेस रॉड है, ये मासलेस है हाँ? और इसमें दो पार्टिकल्स लगा रखे हैं तुमने, एक तो रखा है 0.3 kg और एक है यहाँ पे 0.7 kg का, और ये 1.54 मीटर की लेंथ दे रखी है। अब तुम्हें ना किसी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है बेटा, जो है इसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो तुमसे कहता है कि तुम्हें इसको रोटेट करने में मिनिमम वर्क लगे,
तो फिर वो एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। एक मासलेस रॉड है, उसके दो एंड्स पे दो पार्टिकल्स हैं, 0.3 kg और 0.7 kg। अब किसी एक्सिस के बाद तुम्हें इसको रोटेट करना है, तो वो एक्सिस कौन सी हो कि आपको मिनिमम वर्क करना पड़े। ठीक, अब आप एक चीज देखो कि आपको इसको रोटेट करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इतना वर्क करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आई मिनिमम होगा उसके अबाउट तुम्हें वर्क मिनिमम करना चाहिए होगा। और अगर कई सारी पैरेलल एक्सिस हैं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो इसका मतलब तुम्हें एक्सिस कहां से पास करनी पड़ेगी? सेंटर ऑफ मास से पास करनी पड़ेगी, बस हो गई। अब सिंपल सी बात है कि मान लो ये आर वन है, ये आर टू है, तो तुम जानते होगे आर वन अपॉन आर टू ये इनवर्स रेशियो ऑफ मास हो जाता है, मतलब 0.7 / 0.3 हो जाता है, तो 7/3 हो गया। तो अगर तुम्हें सिर्फ आर वन निकालना है तो फिर आर वन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 / टोटल रेशियो 10 × 1.4 m, ये हो गया, बस हो गया। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। एक मासलेस रॉड है, उसके दो एंड्स पे दो पार्टिकल्स हैं और मुझे किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। एक्सिस फाइंड करनी है सो दैट कि वर्क डन आपको मिनिमम लगे। तो तुम्हें एक तरीके से उसको रोटेट करने में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इतने का वर्क करना पड़ेगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट आई मिनिमम होगा ऑब्वियस ही बात है उसको तुम्हें मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर कई सारी पैरेलल एक्सिस हो तो वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है उसके अबाउट हमें मिनिमम वर्क करना पड़ता है, मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका मतलब मिनिमम वर्क उसी एक्सिस के अबाउट होगा। और फिर वो सेंटर ऑफ मास के पाले में चली गई बात कि इस फिगर में आर वन अपन आर टू क्या होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ मास होता है, 0.7/0.3 हो गया। तो अगर मुझे मान लो आर वन निकालना है तो फिर वो 7/10 × 1.4 m होगा, ये कह रहे। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ये भी आई थिंक तुमने किया होगा क्वेश्चन। ये एक एम मास का पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन के बारे में पूछा था। बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, इस टाइप का। तो मेरे ख्याल से ये तुमने पढ़ा होगा कि ये अबाउट ओरिजिन कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब वो एक अलग बात है कि किस कांस्टेंट की वैल्यू, अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग आएगी। किसी के अबाउट पता लगा वो क्लॉक वाइज जा सकता है, किसी के अबाउट एंटी क्लॉक वाइज जा सकता है, किसी के अबाउट जीरो आ सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो भी वैल्यू आ रही है फिर उस पॉइंट के अबाउट वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एक बार दोबारा सुन लो रिजल्ट। अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब वो एक अलग बात है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग आएगी। पता लगा किसी के अबाउट वो क्रॉस डायरेक्शन में आ गया, किसी के अबाउट डॉट डायरेक्शन में आ गया, हो सकता है किसी के अबाउट जीरो भी आ जाए, लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट जो भी वैल्यू वो फिर कांस्टेंट आएगी। जैसे यहां पे मैं आपको प्रूव कर देता हूं, देखो क्या था, ये ऐसे घूम रहा था,
वी तुम्हें कांस्टेंट दे रही थी, ठीक है, मतलब सीधे जा रहा है बिल्कुल। तो आप देखो ओरिजिन के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब एल अबाउट ओ कितना होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा कि एम भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, और इवन आर परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट है, क्यों नहीं है, तो टोटल वैल्यू ही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गया ना, एम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, और आर परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 14, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम जानते होगे। जैसे ना ये एक डिस्क है, ये स्क्वायर डिस्क है, ध्यान रखना। अब इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, तो तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से तो पास हो रही है लेकिन थीटा एंगल पे है, इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ कितना है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादातर बुक्स में और क्लास में तुम्हें पढ़ाते ही होंगे कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी आई ही रहता है, ध्यान रखना आंसर इसका आई ही होता है, मींस इनडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है। ज्यादातर तरफ जहां भी रिजल्ट होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वहां पे आपको मिल जाएगा, और क्लास में आपको पढ़ाते होंगे इसका रीजन क्या होता है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है, लेकिन ये केवल स्क्वायर डिस्क की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ओनली फॉर स्क्वायर डिस्क, अदरवाइज तो वो डिफरेंट होगा। तो स्क्वायर डिस्क में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये है सेंटर के बाद कोई सी भी एक्सिस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सी भी ले लो, सबके अबाउट जो आई होगा वो सेम आता है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये डिस्क है, मास एम रेडियस आर, और ये रोल कर रही है, और इसका बस तुम्हें ओमेगा दिया हुआ है, ये लीनियर वेलोसिटी नहीं दे रही है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो तुम्हें ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, ये ओ है मान लो, एल ओ फाइंड करना है कितना होगा, इसका भी बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो सुनो क्या है, ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है और प्योर रोलिंग है, तो इसमें दो टर्म आते हैं आई सी ओमेगा और एम वी आर, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन और प्योर रोलिंग हो, तो फिर ये दोनों टर्म एडिटिव होते हैं, पहली बात तो एडिटिव, एक तो ये होते हैं, ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात जो आईसी ओमेगा होती है वो रिंग के केस में एमवीआर होती है, डिस्क के केस में हाफ एमवीआर होती है, सॉलिड स्केयर के केस में 2/5 एमवीआर होती है, एंड सो ऑन, बॉटम मोस्ट पॉइंट की अबाउट बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, एंड सो ऑन। तो खैर हमारा डिस्क का केस है, तो इसका मतलब यहां पे जो एमवीआर होगा वो 2 टाइम्स IC × ओमेगा होगा, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, फिर
एक आई सी ओमेगा तो है ही है, और एम वी आर की वैल्यू 2 IC × ओमेगा है, तो इसका मतलब 3 IC × ओमेगा होगी। और ये डिस्क का केस है, तो इसका मतलब आई सी कितना हो जाएगा, 3 ½ mr² × ओमेगा, ये आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है और उसमें भी प्योर रोलिंग का केस, बॉटम मोस्ट के अबाउट मेरे को निकालना है। तो पहली बात तो दो टर्म आते हैं, आई सी ओमेगा और एक एम वी आर, तो प्योर रोलिंग में ये एडिटिव आते हैं। दूसरा मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि रिंग के केस में आई सी ओमेगा एम वी आर के इक्वल होगा, डिस्क के केस में हाफ एम वी आर उसका, सॉलिड स्पेयर में 2/5 mvr होगा, एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या डिस्क दे रखी थी, तो डिस्क के केस में आईसी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो हाफ एम वी आर होगी, तो एम वी आर की वैल्यू 2 IC ओमेगा हो जाएगी, और आईसी ओमेगा एक और था, तो इसका मतलब टोटल जो आंसर आएगा वो 3 IC × ओमेगा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड